हेलो ऑल, मैं आपका आरडी सर। मैं आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूँ। साल का सितंबर एंड अक्टूबर बिगिनिंग आ चुका है। दुनिया भर के सारे साइंस एस्पायरेंट, साइंस स्टूडेंट, साइंस लवर्स को अब एक चीज की आस लगी रहती है, मालूम है कौन सी? यस, यू आर राइट। अभी ये टाइम है नोबेल प्राइज का। लाइक दिस इज द टाइम वेयर द नोबेल प्राइजेस आर बीइंग डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। द फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर होता है, तब दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है ये साइंस में। इससे बड़ा अवार्ड नहीं है दुनिया में कोई भी। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी नोबेल की कहानी को लेकर, नोबेल की कहानी आरडी सर की जुबानी नाम की एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसपे मैं आपको नोबेल की थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा। नोबेल जब डिक्लेयर होंगे इस साल के 7 अक्टूबर से, इस साल नोबेल डिक्लेयर करना शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ही नोबेल प्राइजेस डिक्लेयर होंगे, कौन से फील्ड में आया, किस रिसर्च के लिए, डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए आया, क्यों आया, उसका इम्पोर्टेंस क्या, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको इस सीरीज में नोबेल की कहानी आरडी सर की जुबान। बिफोर वी गो देयर, व्हाई इट इज नोबेल प्राइज, व्हाट इज दैट, वहां एक ही बंदे का नाम दिया है। तो आपको पीछे जो पिक्चर दिख रही है वो इस उस इंसान की, महान इंसान की फोटो है, अल्फ्रेड नोबेल। हाँ, सो वो उसकी कहानी है। छोटा सा उसका हम बैकग्राउंड देखेंगे पहले वीडियो में, बाकी सारा डिटेलिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आना पड़ेगा। द अल्फ्रेड नोबेल इज द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज। ही वॉज बॉर्न इन द स्वीडन स्टॉकहोम ऑन 21 अक्टूबर 1833। वहां पे बर्थ हुआ उसका। उसके पापा थे इमैनुअल नोबेल। तो उनको लाइक ही वाज अ बिजनेसमैन इन द स्वीडन। तो वो वहां से बिजनेस के लिए रशिया में गए, उनके साथ ये भी गया। बाय एजुकेशन ही ऑब्टेन द डिग्री ऑफ केमिकल इंजीनियर। ही बिकेम अ केमिकल इंजीनियर। उसको साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत लगाव था, उसने वो पढ़ लिया। लाइक अल्फ्रेड नोबेल इज बेसिकली नोन फॉर, उसके बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से सबसे बेसिकली चीज है जो जिसके लिए वो नोन है, दैट इज डायनामाइट। डायनामाइट केमिकली इट इज अ ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ये तो हम लोगों को, मतलब नोबेल से पहले सब लोगों को, अल्फ्रेड नोबेल से पहले मालूम था। उसको वो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बुलाते थे, डायनामाइट ये उसने बाद में बोला है। उसका प्रॉब्लम था, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव, उसको कोई हैंडल नहीं कर पाता था, वो बहुत इंजूरियस था। उसने उसको ना सैंड के साथ मिक्स करके उसकी एक पेस्ट बनाई। देखो मैं बताने के लिए आपको 10 सेकेंड में एक सेंटेंस बता रहा हूँ। उसने उस पर बहुत काम किया, केमिकल इंजीनियर था तो लाइक एंड वेरी इंटेलिजेंट था वो। तो उसने वो सैंड मिक्स करके उसके साथ उसकी पेस्ट बना ली, जिसपे कंट्रोल आने लगा। लाइक उसकी एक्सप्लोजिव एबिलिटी उतनी रही, पर कब चाहे वो हम लोग उसको एक्सप्लोजिव बना सके उसको। तो उसको उसने बाद में नाम दिया डायनामाइट। उसने उसका सबसे पहले काम की, लाइक उसका उसने पेटेंट लिया, लाइक ऑल ओवर द, लाइक उसके पूरे लाइफ में उसने 355 पेटेंट्स लिए। आप लोग जब साइंस पढ़ते तो आप लोगों को पता चलेगा, लाइक गेटिंग वन पेटेंट इज वेरी बिग थिंग। अकेले ने 355 पेटेंट्स लिए थे। और उसने और एक कंपनी भी थी जिसको बताने में मुझे आप बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक उसका, लाइक उसकी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम है बोफोर्स। आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा इसकी स्टोरी। बोफोर्स कैनॉन हम लोगों ने कारगिल वॉर में यूज की थी, और जिसकी हेल्प से हम लोगों ने कारगिल, तो दैट बोफोर्स कंपनी वाज ऑफ अल्फ्रेड नोबेल की थी। एंड ही डाइड ऑन द 10th of December 1896। अब दिस वाज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड अबाउट द नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की एक छोटी सी बैकग्राउंड है। अब हम ये नोबेल उसी के नाम पे क्यों देते हैं, ये किस किस चीज में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये कैसे, उसकी सारी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको अपने वीडियो के सीरीज के सेकेंड लेक्चर में या सेकेंड वीडियो में। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको आगे की जानकारी जाननी है तो आप इसके साथ बने रहो। मैं इस पे आपको इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो डालता रहूंगा। आपको हर दिन नया वीडियो मिलेगा। मैं बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे इन्वेंशन, डिस्कवरीज के बारे में बात करने वाला हूँ इस पे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।